स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कॉलम बेसिस के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे हम डिजाइन स्टेप्स ऑफ एक्सियल लोडेड सिंगल सेक्शन कॉलम। तो सिंगल सेक्शन कॉलम के लिए डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कॉलम बेसिस क्या होते हैं और स्लैब बेस क्या होता है और गैस्केट बेस के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो देखते हैं डिजाइन स्टेप्स। सिंगल सेक्शन कॉलम्स को कैसे डिजाइन किया जाता है इसके बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा फॉर द डिजाइनिंग ऑफ सिंगल सेक्शन कॉलम, ठीक है जी। तो हमारे कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेशन द अप्रोक्सीमेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैलकुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो एरिया रिक्वायर्ड है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन द अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड हमारा जो स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे किया जाता है। तो ग्रॉस सेक्शनल एरिया अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, इसके इक्वल रहेगा हमारा एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड डिवाइडेड बाय अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो रहेंगी उसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अज्यूम्ड जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है की वैल्यू क्या रहेगी, अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या वैल्यू हम लेके चलते हैं, अज्यूम्ड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की जो वैल्यू हम लेके चलते हैं क्या रहेगी, ठीक है जी। तो हमारे जो फॉर सिंगल आई सेक्शन कॉलम अगर यूज कर रहे हैं, फॉर सिंगल आई सेक्शन कॉलम अगर यूज कर रहे हैं तो क्या रहेगा हमारे पास 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को। और दूसरा क्या है फॉर बिल्ट अप कॉलम, फॉर बिल्टअप कॉलम, तो बिल्टअप कॉलम के लिए जो हमारी अज्यूम्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस है क्या रहेगी 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अज्यूम्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके बाद मैं देखता हूँ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे हमारी जो टाइल सेक्शन को कैसे चूज किया जाए फॉर द डिजाइन ऑफ द एक्सियल लोडेड सिंगल सेक्शन कॉलम, ठीक है जी। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड वी कैलकुलेट द वी चूज द ट्रायल सेक्शन फ्रॉम द कोड, ठीक है जी। तो स्टील कोड के थ्रू हम क्या करेंगे हमारी जो सेकंड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं चूज द ट्रायल सेक्शन। तो ट्रायल सेक्शन को चूज करने के लिए स्टील टेबल की जो
जरूरत पड़ेगी तो स्टील टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में ट्रायल सेक्शन को चूज करेंगे, चूज द ट्रायल सेक्शन। ठीक है जी, तो ट्रायल सेक्शन को चूज करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रॉम स्टील टेबल्स, तो स्टील टेबल्स के थ्रू हम क्या करेंगे यहां यूज करेंगे फ्रॉम स्टील टेबल्स। तो स्टील टेबल्स के थ्रू हम क्या करेंगे सारी की सारी जो सेक्शन है ग्रोस जो हमने ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कैलकुलेट किया उस बेस पे हम ट्रायल सेक्शन को जो रहेगा हम देखेंगे। तो क्या रहेगा अगर देखेंगे तो चूज ए ट्रायल सेक्शन, चूज ए ट्रायल सेक्शन, ट्रायल सेक्शन हैविंग एरिया, हैविंग एरिया इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया, इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। तो ग्रोस सेक्शनल एरिया जो रिक्वायर्ड है वो हमारे क्या होगा इक्वल टू रहेगा हमारे जो हम चूज करेंगे ट्रायल सेक्शंस के लिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमने कैलकुलेट किया है इन द स्टेप वन अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड जो हमने कैलकुलेट किया स्टेप वन में उसके हमारा जो सेक्शन है उसका एरिया जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, तो स्टेप वन के बाद स्टेप टू, तो स्टेप नंबर थ्री में देखते हैं। तो स्टेप नंबर थ्री में आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सेक्शन ऑफ अ सिंगल सेक्शन कॉलम हम क्या करेंगे स्लैंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है जी, स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए क्या रहेगा हमारे पास जो हमारी स्लेंडरनेस रेशियो हम नोट करते हैं लैम्डा से इक्वल टू क्या रहेगा इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन हम यूज करते हैं हम क्या करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द ट्रायल सेक्शन फ्रॉम द अबव फार्मूलाज। तो इस फार्मूलाज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की इन द स्टेप नंबर 3। तो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो वी कैलकुलेट द एक्चुअल प्रिमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो एक्चुअल प्रिमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यानी कि सिग्मा एसी की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी फ्रॉम द फॉर ए डिजाइन ऑफ एक्सियल लोडेड सिंगल सेक्शन कॉलम। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में देखिए तो डिटरमाइन द एक्चुअल प्रिमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक्चुअल प्रिमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है जी, तो एक्चुअल प्रिमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम क्या कह रहा सिग्मा यानी कि सिग्मा एसी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सिग्मा एसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू रहेगी इन द स्टेप नंबर 3 कैसे कैलकुलेट की जा सकती है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रिमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक्चुअल प्रिमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रॉस्पॉन्डिंग टू द कैलकुलेटेड स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ट्रायल सेक्शन, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ट्रायल सेक्शन। तो ट्रायल सेक्शन के थ्रू हमारी जो स्लेंडरनेस रेशियो रहेगी उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे
उसके थ्रू हम क्या करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को सिग्मा एसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वैल्यू ऑफ fy, ठीक है जी। तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील पे भी हमारी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम टेबल 7.2 की टेबल नंबर से हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द आईएस कोड 800-2007, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। तो नेक्स्ट जो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमारे स्टेप नंबर 5th की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 5th में हम देखने वाले हैं कैलकुलेट करेंगे सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वैल्यू जो है जो हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट किया एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, तो हमें इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी है ये क्या रहेगी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू सिग्मा एसी इनटू एरिया रेशियो से हम क्या करते हैं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सिग्मा एसी इनके एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू हम इन द स्टेप नंबर 4 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी है इफ सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाइड ग्रेटर देन इक्वल टू द अप्लाइड लोड जो हमने एक्चुअल अप्लाई लोड किया गया है द एक्चुअल ग्रेटर देन इक्वल टू द एक्चुअल अप्लाइड should not
एक्सीड्स द परमिसिबल वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू एज स्पेसिफाइड इन, एज स्पेसिफाइड इन आईएस कोड, आईएस कोड, आईएस स्टील कोड 2007। ठीक है जी, तो जिस वो हमारी स्लैंडरनेस रेशियो की जो वैल्यूज रहेंगी इन स्टेप नंबर 3, वो हमारी जो परमिसिबल वैल्यू जो आई है उसे हमारी क्या होनी चाहिए, एक्सीड नहीं होनी चाहिए स्लैंडरनेस, जो हमारे कोड के अकॉर्डिंग है स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन करेंगे। तो स्टेप वेरी फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, हमारे जो कैलकुलेट करते हैं ग्रोस सेक्शनल एरियाज को, तो ग्रोस सेक्शनल एरिया अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया को कैलकुलेट किया जाता है इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी, तो ग्रोस सेक्शनल एरिया क्या रहता है, इक्वल टू एक्सियल, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्सियल कंप्रेसिव लोड टू द अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। जो अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो हमारे कोड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमारे पास अगर हम सिंगल आई सेक्शन कॉलम यूज कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहती है, और अगर हम बिल्ट अप कॉलम यूज कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है अज्यूम्ड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वो रहेगी 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारी वैल्यूज हैं, सेक्शंस हैं, तो सेक्शन को क्या किया जाता है, ट्रायल सेक्शन को चूज किया जाता है फ्रॉम द स्टील टेबल। तो स्टील टेबल की हेल्प से हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, चूज करते हैं ट्रायल सेक्शंस को। ठीक है जी, तो ट्रायल सेक्शंस को चूज करेंगे स्टेप नंबर सेकंड में। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या रहा, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट अज्यूम्ड, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर सेकंड हम क्या करेंगे, चूज करेंगे ट्रायल सेक्शन को, चूज ए ट्रायल सेक्शन फ्रॉम द स्टील टेबल, फ्रॉम स्टील टेबल्स, स्टील टेबल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रायल सेक्शन को चूज करेंगे और एक सुटेबल सेक्शन जो है उसको सिलेक्शन करेंगे एज पर द अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। जो हम जो सेक्शन ट्रायल सेक्शन जो हम लेंगे उसका जो एरिया है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड से, जो हम स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं स्टेप की बात करूं स्टेप नंबर 3 में, तो स्टेप नंबर 3 में हम देखते हैं स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट, स्लेंडरनेस रेशियो इन द स्टेप नंबर 3 फॉर द डिजाइनिंग ऑफ एक्सियल लोडेड सिंगल सेक्शन कॉलम। ठीक है जी, तो हमारी क्या रहेगी जो स्लेंडरनेस रेशियो क्या रहती है, इफेक्टिव लेंथ, इट इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस, टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ द जायरेशन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 4 की, तो स्टेप नंबर 4 में हम देखते हैं जो हमारी एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट सिग्मा एसी, तो सिग्मा एसी की वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा एसी क्या रहता है, एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, तो एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को फाइंड आउट किया जाता है कोरस्पोंडिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू रहेगी और यील्ड स्ट्रेस FY के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू रहेगी वो हमारा सिग्मा एसी की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है फ्रॉम द स्टील कोड्स। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 5 की बात, तो स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द डिजाइनिंग ऑफ एक्सियल लोडेड सिंगल कॉलम। ठीक है जी, कैलकुलेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, कैलकुलेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या रहेगी हमारे पास, सिग्मा एसी इनटू एरिया, सिग्मा एसी को एरिया करते हुए हम क्या कर सकते हैं बैक कैलकुलेट कर सकते हैं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी को। तो फिर चेक कर सकते हैं हमारी जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो जो हमारा रिक्वायर्ड परमिसिबल जो हमारे पास एक्चुअल लोड है
इन द ट्रायल सेक्शन, ठीक है जी, तो वो उससे क्या होनी चाहिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, सेक्शन को, एक सुटेबल सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्टील टेबल और फिर से हम 1-5 स्टेप्स को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं स्टेप नंबर 6, तुम्हारा लास्ट स्टेप क्या रहेगा, हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, चेक करेंगे, चेक फॉर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस रेशो को हम चेक करेंगे, फॉर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो को हम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन द स्टेप नंबर 3। स्लेंडरनेस रेशो को, स्लेंडरनेस रेशो की जो वैल्यू है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए हमारी जो परमिसिबल वैल्यूज है, तो परमिसिबल वैल्यूज एज पर द स्पेसिफाइड आईएस कोड 800/2007 के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल वैल्यूज रहेंगी, उसकी जो स्पेसिफाइड वैल्यूज रहेंगी, उससे जो स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे क्या है, डिजाइन स्टेप्स हैं फॉर द डिजाइन ऑफ एक्सल लोडेड सिंगल सेक्शन कॉलम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एक्सल लोडेड सिंगल सेक्शन कॉलम।